हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक साथ दो सेंटेंसेस दिखेंगे। इन दोनों में से केवल एक ही व्याकरण के अनुसार करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अभी आपके स्क्रीन पर एक एक करके सेंटेंसेस की जोड़ियां आएंगी। प्रत्येक जोड़ी में एक वाक्य ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के अनुसार सही है और एक वाक्य गलत है। वाक्य का अर्थ जाने बिना आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत। तो शुरुआत करते हैं। पहली जोड़ी यानी फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस है, ऑल द फैमिलीज हैव इनफ मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स। और उसका दूसरा वाक्य है, All the families has enough money to send their children to private schools. पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है have और दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है has. पावर वर्ड टू को लग के उसके पहले आए हुए शब्द होते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है all the families, सारे परिवार। सारे परिवार अनेकवचन, अनेकवचन प्रोनाउंसटेबल पे दे के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है हैव, इसलिए हमारा सही विकल्प है सेंटेंस नंबर वन, दैट इज ऑल द फैमिलीज हैव इनफ मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स। नेक्स्ट पेयर, अगली जोड़ी, ऑल कार्स हैज ओनली फोर टायर्स। सेकेंड सेंटेंस, ऑल कार्स Have only four tires. पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है has, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है have. वाक्य का सब्जेक्ट है all cars, सारी गाड़ियाँ। अनेकवचन, अनेकवचन यानी दे के साथ पावर वर्ड टू है have, इसलिए सही विकल्प है सेंटेंस नंबर टू। अगली जोड़ी, these fruits have very bad smell. और these fruits has very bad smell. पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है have और दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है has. पावर वर्ड टू के पहले आए हुए शब्द these fruits, ये फल, अनेकवचन, अनेकवचन यानी प्रोनाउंसटेबल पर दे के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है have, इसलिए सही विकल्प है सेंटेंस नंबर वन। अगली जोड़ी, माई फैमिली हैव ए थ्री रूम हाउस इन दैट बिल्डिंग। माई फैमिली हैज अ थ्री रूम हाउस इन दैट बिल्डिंग। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज। पावर वर्ड टू के पहले उसको लगकर आए हुए शब्द सब्जेक्ट, माई फैमिली मेरा परिवार, एक परिवार, एक वचन इट के साथ पावर वर्ड टू है हैज, इसलिए मेरा सही विकल्प है सेंटेंस नंबर टू। अगली जोड़ी, माई मोबाइल फोन हैड स्पेस फॉर थ्री सिम कार्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मोबाइल फोन हैव स्पेस फॉर थ्री सिम कार्ड्स। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैड, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव। पावर वर्ड टू को लग के उसके पहले आए हुए शब्द सब्जेक्ट, माय मोबाइल फोन, मेरा मोबाइल फोन, एक फोन यानी एक वचन प्रोनाउंसटेबल पे इट के साथ हैव तो जाता नहीं है, हैज जाता है, लेकिन मेरे पास हैज ये विकल्प है ही नहीं, मेरे पास विकल्प है हैड और इट के साथ हैड भी जाता है, तो इन दोनों में से सही वाक्य है सेंटेंस नंबर वन। अगली जोड़ी, दैट येल्लो शर्ट हैव ओनली टू बटन्स। और दैट येल्लो शर्ट हैज ओनली टू बटन्स। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव और दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज। पावर वर्ड टू के पहले आने वाले शब्द सब्जेक्ट, दैट येल्लो शर्ट, वो पीली शर्ट, एक वचन प्रोनाउंसटेबल पे इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू।
टू है, हैव तो जाता नहीं है, हैज जाता है, इसलिए मेरा सही विकल्प है सेंटेंस नंबर टू। नेक्स्ट पेयर, मोस्ट गर्ल्स इन इंडिया हैव वेरी लॉन्ग हेयर। दूसरा वाक्य है, मोस्ट गर्ल्स इन इंडिया हैज वेरी लॉन्ग हेयर। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज। पावर वर्ड टू के पहले उसको लग के आए हुए शब्द होता है सब्जेक्ट। यहाँ पर मोस्ट गर्ल्स, अधिकांश लड़कियाँ, अनेकवचन दे के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है हैव, इसलिए इस जोड़ी में सही विकल्प है ऑप्शन नंबर वन। आखिरी जोड़ी लेते हैं, देयर ओनली सन हैव अ डिग्री इन इंजीनियरिंग और देयर ओनली सन हैज अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज। पावर वर्ड टू को लग के उसके पहले आने वाले शब्द सब्जेक्ट, दे आर ओनली सन उनका इकलौता बेटा, एक वचन पुरुष ही के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है हैज, इसलिए इस जोड़ी का सही विकल्प है सेंटेंस नंबर टू। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।